नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आप सभी का स्वागत करता हूँ वो टॉप चैनल पे। दोस्तों आज का ये वीडियो है ऑप्टिकल ट्रांसपोजिशन के बारे में, जिसे हम सामान्य भाषा में क्रॉस कंपाउंड पावर ऐसा कहते हैं। अगर आप एक ऑप्टिशियन हैं तो आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे नंबर आते हैं जिसमें प्लस और माइनस नंबर एक ही साथ देखने को मिलते हैं। उस नंबर को हम कैसे सिंपल नंबर में सॉल्व कर सकते हैं, यही फार्मूला को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। दोस्तों इस बारे में मैंने एक और वीडियो बहुत पहले बना रखी है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि हमारे कुछ साथियों को उसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जैसे कि एक्सिस को हम कैसे बदलते हैं और अपने नंबर को कैसे हम क्रॉस कंपाउंड नंबर को सिंपल कैसे करते हैं, ये सभी बातें हैं। तो उनमें जो कन्फ्यूजन है आज मैं कोशिश करूँगा इस शॉर्ट वीडियो में आपको समझाने की। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिख लिया है कि ऑप्टिकल ट्रांसपोजिशन, ठीक है, इस ऑप्टिकल ट्रांसपोजिशन जिसे सिंपल भाषा में जैसे कि मैंने बोला था क्रॉस कंपाउंड आप बोल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि एक सिंपल नंबर में लिख देता हूँ, जैसे कि प्लस वन माइनस 0.5 एक्सिस एंड 90। तो ये है हमारा क्वेश्चन, आपको साफ सुथरा दिखाई दे रहा होगा। मैं वैसे कोई टीचर नहीं हूँ, फिर भी बोर्ड का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्लस वन में माइनस 0.5 सेंटीमीटर है और एक्सिस हमारा 90 है। अब इसको हम कैसे ट्रांसपोज करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वही गणित का फार्मूला है जो पहले हम कक्षा 4 में पढ़े थे। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस क्या होता है, बस यही आपको याद करना है, वही फार्मूला इसमें यूज होता है। तो उसमें हमने क्या सीखा था कि प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यही फार्मूला अगर आपको पता है, आप जानते हैं इसके बारे में, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए इसी फार्मूले से फटाफट इसको मैं हल करता हूँ। देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो सबसे पहले हम माइनस लिख देंगे, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं प्लस एक माइनस 0.5, तो ये सिलेंडिकल जो है इसमें घट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है। तो आपको क्या करना है, माइनस 0.5 क्रॉस, और जो सिलेंडिकल रहेगा वो हमारा सेम टू सेम रहेगा, जैसा है वैसा ही, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैं अभी माइनस ही लिख रहा हूँ। आप ये एक्सिस देखिए, एक्सिस अगर 90 है तो ये पलट जाता है, यानी कि जब ये 90 है तो हम इसमें प्लस 90 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180। एक्सिस के बारे में एक बार और आपको बता दूंगा ये कैसे ऐसे हमने किया, ठीक है। पहले तो हम पावर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा 180 आ गया है, ठीक है। अभी ये सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है। गलत क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ, आपको इसको क्लियर कैसे करना है। जब भी आप देखेंगे कि कोई भी बड़ी संख्या का जो साइन होता है, जैसे कि प्लस और माइनस, ये हमारी जो दो साइन है, और जो बड़ी संख्या में जो साइन लगा हुआ है वो प्लस वन है, जिसमें प्लस का साइन लगा हुआ है। तो अक्सर क्या होता है कि बड़ी संख्या में जो साइन होती है उसी साइन को हम यूज करते हैं और वही सभी जगह फिट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब आपने इसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए प्लस 0.5 है, प्लस 0.5 सिलैंडरिकल, और एक्सिस हो गया आपका 180। ये था आपका ट्रांसपोजिशन, ऑप्टिकल ट्रांसपोजिशन। चलिए मैं एक और आपको क्रॉस कंपाउंड दिखाता हूँ, जिसको हम बड़ी आसानी से हल करेंगे, और साथ ही ये एक्सिस कन्वर्ट कैसे होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। ओके फ्रेंड, तो ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस 2.0 में आपका सिलैंडरिकल है, प्लस 1 और एक्सिस है 120। यहाँ पे एक्सिस मैंने 90 से ज्यादा रखा है, जो एक्चुअल नंबर है वो नंबर यहाँ पे लिखा है, माइनस 2 में प्लस 1 सिलैंडरिकल 120 एक्सिस। अब इसको हमको हल कैसे करना है, तो सबसे पहले वही प्लस माइनस का फार्मूला हम यूज करेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, तो अभी वो माइनस माइनस को हटा दीजिए। आपको सीधा सीधा सबसे पहले क्या करना है, सिलेंडिकल नंबर जो है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो वैसे ही आपको लिख देना है, यानी कि 1 लिख दीजिए यहाँ पे। और अब देखिए 1 प्लस और माइनस माइनस होता है, आपको पता चल गया है। तो 2 में 1 अगर आप घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ पर भी आपका 1 हो गया। और यहाँ पे एक्सिस का नंबर आ गया, वो मैं आपको अभी बताता हूँ फाइनली। अब ये प्लस और माइनस माइनस होता है, देखिए बड़ी संख्या जो है हमारा क्या है, 2 है, और 2 के सामने नंबर माइनस, तो सिंपली यहाँ पे माइनस, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस 1 में माइनस 1 सिलेंडरिकल, और ये हो जाएगा आपका
इसमें 120 में हम अब क्या करेंगे, 90 को माइनस कर देंगे तो हमारे साथ जाएगा 30, तो इसकी एक्सिस हो जाएगी 30। तो ये और था जो क्लियर हो गया। इस टाइप के बहुत सारे आप हल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मैं आपको बताता हूँ एक्सिस के बारे में कि एक्सिस ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड आप यहाँ पे देखिए कि 90 जो एक्सिस होता है हमारा, ये एक्सिस है, एक्सिस कैसे चेंज होता है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे है 90, 90 से अगर कम हो आपका जो भी एक्सिस, जैसे कि अगर आपका एक्सिस है 70 या हो गया 60 40, इस टाइप की अगर कोई भी एक्सिस है, 90 से कम है अगर आपकी एक्सिस, तो वो जो है 90 में प्लस हो जाएगा, इन सभी में 90 जो है जुड़ जाएगा। और अगर 90 से ज़्यादा है, ज़्यादा यानी कि 90 से ज़्यादा क्या होता है, 100, ठीक है, 100 हो गया, 120 हो गया, 160 हो गया, इस टाइप का कोई भी नंबर अगर एक्सिस आपको मिलते हैं तो वो एक्सिस जो है 90 से माइनस हो जाएगा। तो ये फार्मूला जो होता है क्रॉस कंपाउंड में ही यूज़ करना है इसको, जो हम ऑप्टिकल ट्रांसपोजिशन बोलते हैं उसी में यूज़ करना है। ये नहीं कि दोनों प्लस प्लस के ही नंबर है उसमें भी आपने इसको यूज़ करके तो ये गलत हो जाएगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे ट्रांसपोजिशन के ही ये फार्मूला यूज़ करना है, जो बहुत ही आसान है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और हमारे चैनल फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी ना भूलना, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेशन अपडेट आपको लगातार मिलती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।